जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, मात्र ये एक संकेत बताता है कि आप करोड़पति बनने वाले हो। प्यारे भक्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बहुत से मनुष्य करोड़पति बनना चाहते हैं, धन चाहते हैं। तो देखो, जो जैसा चाहेगा उसको निसंदेह वैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब अगर आप नाम जप करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो केवल आपका भाव यही होना चाहिए कि मुझे करोड़पति बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका भाव नाम जप करते समय, भक्ति करते समय सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे धन चाहिए। तो आपको अथा धन मिलेगा, निश्चित है ये। क्यों? क्योंकि भगवान इच्छा तो तुरंत पूर्ण करते हैं। ये इतिहास गवाह है हमारा। जिसने भी भगवान की सकाम भाव से भक्ति की है, उसकी इच्छा भगवान ने तुरंत पूरी की है। क्यों? क्योंकि भगवान भी सोचते हैं, ये जो मांग रहा ले दे के पीछा छुड़ाओ, और अगर इसने निष्काम भक्ति कर ली फिर तो मुझे इसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, इसको मुक्ति देनी पड़ेगी। तो प्यारे भक्तों, पीछे पीछे घूमना तो कोई चाहता नहीं। अगर पीछे घूमना चाहता भी है तो उसके पीछे घूमेगा जिसमें अथाह गुण होंगे। तो वो गुण होते हैं निष्काम भक्त में ही। सकाम भक्त भक्ति करते हो तो इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी, करोड़पति बन जाओगे, उससे भी ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन प्यारे भक्तों, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, धन अथाह मिल जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, परमानंद की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। प्यारे भक्तों, अब आप कहोगे शांति नहीं मिलेगी, हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या करेंगे धन का? वो तो देखो प्यारे भक्तों, आपकी मर्जी है, क्योंकि आज के टाइम में सब धन चाहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत से मनुष्यों के पास अथाह धन है अथाह, और उनके पास शांति नहीं है, सुख नहीं है, शांति को खोजते फिरते हैं कहीं हिल स्टेशन पे। लेकिन अगर आप नाम जप करोगे और आप निष्काम भाव से करोगे, कोई भी इच्छा नहीं होगी, तो भगवान फिर आपको धन भी दे देगा, सब कुछ दे देगा, वो शांति भी देगा, परम सुख भी देगा। प्यारे भक्तों, अब आप इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि हमें शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको धन भी मिल जाए और शांति भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि हर इंसान का प्रारब्ध भी अपना अलग होता है, परंतु भगवान कहते हैं जाकी जैसी भावना और वैसा ही फल पायो। जिसकी जैसी भावना होती वैसा इसको फल मिलता है। जो जैसे भगवान को भजता है वैसे ही भगवान उसको भजते हैं, जैसे अर्जुन को और दुर्योधन को, तो भगवान दोनों के ही सामने खड़े थे, लेकिन जिसका जैसा भाव था उसको वैसी ही प्राप्ति हुई। तो आप सकाम भाव से भजोगे, इच्छा पूर्ति के लिए भजोगे तो इच्छा पूर्ण करेंगे, आप मुक्ति के लिए भजोगे तो मुक्ति मिलेगी। देखो, निष्काम भाव से भजोगे तो समय लगता है थोड़ा उसमें, इच्छा पूर्ति निष्काम भाव से भजने वालों की भी होती है, धन उनको भी मिलता है और उनको मुक्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति होती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन किसी को अगर तुरंत धन चाहिए, तुरंत इच्छा पूरी करवानी है, तो बस एक ही लक्ष्य रखो, हमें धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, यानी कि सकाम भक्ति। और कलयुग में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सकाम भक्ति करना भी कोई बुरी बात नहीं है, मर्जी आपकी है। अब आज भी मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए, और ऐसे भी आते हैं कि हमें तो सिर्फ धन चाहिए, भगवान का क्या करना है। आप सुन के हैरान रह जाओगे। एक बार तो मेरे पास ऐसा कमेंट आया था कि माता जी, मुझे इस जन्म में 20 करोड़ रुपए चाहिए, अगले जन्म में चाहिए मैं कीड़ी मकोड़ी क्यों ना बन जाऊं। तो बताओ, माता जी को तो सबका ही ध्यान करना है, अब उनके लिए भी वीडियो बनानी है और उनके लिए भी वीडियो बनानी है। तो प्यारे भक्तों, आप गलत मतलब ना निकालें, जिसको जैसी भावना है उसी हिसाब से इस वीडियो का लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।